विजुअल थोड़ा लेफ्ट में कर लेते पंड्याज एंड मकवानाज यस तो यहाँ पे पुराने पंड्या नए पंड्या साल की शुरुआत दिन बाकी है किस तरह से देख रहे हो प्रोफेशनल वाइज ये साल आप लोग के लिए कैसा होगा आशा करते कि अच्छा रहे सब हर कोई अपने लिए अच्छा ही सोचता है एंड यार सो यू नो हर दिन एक बेटर इंसान बनने की कोशिश होती है आर्ट में भी और इंसानियत में भी तो काफ़ी और आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे कि पुराने दोस्त मिले ये हमारे शो के पहले खतरनाक पंड्यास जिन्होंने पंड्यास जिन्होंने शो की एक नींव हमारे हाथ में बैटन थमा दिया था कि जाओ अभी संभाल चलो मान लिया इसने तो हम अच्छे से संभाल भी रहे हैं और मज़ा आ रहा है बताओ अभी यही चाहूंगी कि सबका न्यू ईयर बहुत 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 अच्छा जाए सब बहुत बहुत काम करे सबको बहुत सारा पैसा मिले सबको बहुत सारा प्यार मिले और क्या चाहिए अब तक तो काफी अच्छा चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे ही ये जो हमारे फैंस है पंड्या स्टोर के वैसे ही हमें प्यार करते रहे ताकि हमें और मजा आए और अच्छा अच्छा हम करते रहे थैंक यू सो मच थैंक यू हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन हैप्पी न्यू ईयर सबको प्लीज कीप वाचिंग पंड्या स्टोर जितना आप लोग अभी तक प्यार दे रहे हो और ज्यादा प्यार देना और बस वही है साथ में या श्योर साथ में आइए ना आजा 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 कम एक तो पता है हम पार्टीज में जाते नहीं है लेकिन बहुत प्यार से हमें बुलाया है IWM बज़ ने तो हमने सोचा कि जाते हैं कुछ लोगों से मिलेंगे और हम एंटर बस कर चुके कुछ पुराने दोस्त मिले टीना को कुछ मिले मुझे कुछ मिले हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये आई थिंक इस साल में पहली ऐसी पार्टी है जो ईयर एंड में हो रही है तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लग रहा है और फेस्टिवल सीजन तो शुरू हो गया या आई थिंक बहुत एक अच्छा वे है टू एंड द ईयर सब लोग साथ में मिल रहे हैं और कुछ लोग तो बहुत टाइम बाद कुछ पुराने चेहरे तो अच्छा लगता है सबको मिलकर नए साल की कोई तैयारी है कुछ पार्टी करने की या छुट्टी में फैमिली के साथ थोड़ा स्पेंड करना टाइम क्योंकि 12-12 घंटे करते रहते आप लोग 15 घंटे What are your plans? बस अब फैमिली भी है फ्रेंड्स भी है तो आज हम फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं फैमिली के साथ भी करेंगे एंड क्रिसमस आ रहा है तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज अ टाइम टू सेलिब्रेट टाइम ऑफ द ईयर एक्चुअली मुझे लगता है प्लान्स नहीं करने चाहिए लेट द ईयर अनफोल्ड जैसे होता है हम वेलकम करेंगे खुशी से आई थिंक दैट शुड बी द ओनली रेजोल्यूशन ऑफ द न्यू ईयर थैंक यू हेलो विजुअल पहले विजुअल्स यहाँ पे हेलो 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 क्या कहना चाहोगे आज IWM बर्थ में काफी बड़ी पार्टी रखी है हर साल आप आते हमेशा सपोर्ट करने के लिए आते क्या कहना चाहेंगे IWM बस के साथ तो काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है इतने सालों से एंड मैं चाहता हूँ ये रिश्ता ऐसे ही अच्छा रहे बढ़ता रहे ग्रो करता रहे एंड आई एम सो हैप्पी न्यू ईयर के पहले भी एक और पार्टी अटेंड करने का मौका मिल रहा है आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन बट यस जब पार्टी का मौका मिलता है मैं ज़रूर करता हूँ और देखो क्यूट लिटिल फैंस भी आ चुके हैं पार्टी में इन्हें भी इन्वाइट मिला ये भी पार्टी इन्जॉय करना है राइट है ना पार्टी करोगे अंदर जाके डांस करोगे यू लव एनिमल्स यस यस आई लव एनिमल्स
इन्हें भी इनवाइट मिला है तो ये आ चुके हैं. सो यस ओके, नए साल की कुछ तैयारी है पार्टी करने की, या वैसे आपने बता दिया पार्टी में लेकिन फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना? यस, यूजुअली मेरी न्यू ईयर जो होती है फैमिली के साथ ही होती है, राइट. एंड फैमिली के अलावा तो अच्छा इनको जाने दो पहले. यस, फैमिली के साथ ही यूजुअली न्यू ईयर सेलिब्रेशंस होती है और अभी तो कुछ प्लान नहीं बने हैं, बट यस हमारे जो भी प्लान्स होते हैं एंड मोमेंट ही होते हैं. सो लेट्स सी इस बार न्यू ईयर पे क्या हंगामा करते हैं हम. यस ऑफ कोर्स मैं मिस करता हूँ शो को, यू नो रोज़ सुबह उठ के शूट पे जाना, क्रू मेंबर्स के साथ, को एक्टर्स के साथ हंसी मजाक करना. जब रीडिंग होती थी तब भी हम बहुत मस्ती करते थे, मजाक करते थे, तो बहुत ही मिस करता हूँ. एंड मैं बस टीम को ढेर सारी गुड विशेस देना चाहूँगा और लोगों को हंसाते रहे, एंटरटेन करते रहे. और रही बात मेरी एंटरटेन करने की अपने फैंस को, ऑडियंस को, तो बहुत जल्द आपके लिए कुछ है सरप्राइजेस जो पाइपलाइन में है, तो ज़रूर मिलूँगा आपको सरप्राइजेस के साथ 2024 में. नमस्कार, कंग्रेचुलेशंस. IWM Buzz, one of my favorite websites. They do an amazing job covering all the entertainment news in India, and it's been great to be supported by such a wonderful group of media folks like yourselves. I hope you enjoyed Kufia, and I hope that you're very excited for E Vatan Mere Vatan, which is coming out next year. So, good to see you all here. Enjoy the party. Thank you so much. Actually, I got to know about this party since very long time, but I was on a vacation and I just came back and मैं ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई. So जल्दी जल्दी मैं जो भी I could gather up and you know dress myself up with, I just did that and came straight away from the shoot. Because of the shooting schedules, मुझे ज़्यादा time नहीं मिल पा रहा है Big Boss देखने का, but I hope and pray that everyone is doing well. सो कुंडली भाग इज़ डूइंग रियली 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 वेल. डेली कुछ भी नए नए ट्विस्ट आते रहते हैं एंड एज यूजुअल मैं नई नई प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती हूँ, सबकी लाइफ डिफ़िकल्ट बनाती रहती हूँ, जो मेरा काम है बहुत सालों से, विच आई एन्जॉय. एंड अभी जो रिसेंट ट्विस्ट है शो में, शौर्य को जेल हो गई है एंड करण उसको नहीं छुड़ा रहा है, राजवीर वापस घर आ गया है और प्रीता के बारे में करण को पता चल गया है, तो अभी मुझे किसी भी तरीके से शौर्य को जेल से निकाल के प्रीता को करण से दूर रखना है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क राइट नाउ. थैंक यू मैम. प्लेजर. So sweet यार. सबसे पहले हाँ, 23 में आपका जो साल है जी, हाल ही में शादी भी हुई जी, आपकी किस तरह से तुमको 2024 करियर वाइज, प्रोफेशनल वाइज, पर्सनल वाइज? यार पर्सनल वाइज ऑब्वियसली 2023 आ रही है, आवाज़ आ रही है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया. सेंटर लुक यार 2023 माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गया है. ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ऑडियंसिस का, मीडिया का, पैप्स का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतना प्यार दिया आप लोगों ने. ऑफ कोर्स हाईलाइट मेरी शादी हुई है और एक और हाईलाइट ये भी कि मैंने अपनी फीचर फिल्म डेब्यू कंप्लीट की है, अब डबिंग चल रही है. यही दुआ है कि 2024 में एक नए रूप में आप लोग मुझे देखोगे. तो यू नो आई थिंक सब कुछ बहुत ही सही जा रहा है और इससे अच्छा साल और इससे अच्छी नई लाइफ की ओपनिंग हो ही नहीं सकती. काफ़ी आप तो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं जी, और वो तो हुआ है सबकी. थैंक यू यार. लेकिन मुन्ना भैया काफ़ी परेशान हो गए जी, लेकिन क्या क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये प्री प्लान तो नहीं है, मतलब मुन्ना भैया तो इतने शरीफ यार. मेरे ना तीनों बड़े प्यारे दोस्त थे, अंकिता, विक्की और मुनावर, है ना. और यही है कि अंकिता और विक्की का एक डाउनफॉल आया था और वो उससे उभर आए, एक लेसन सीखा उन लोगों ने कि यू नो और वो एक्चुअली प्रॉब्लम मिलेनियल्स की होती है, बहुत सारे मिलेनियल्स जो होते हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं, स्पेशली जिनकी मम्मियाँ उन्हें बहुत प्यार करती है ना.
वो नेचुरल है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, लेकिन जब वो समझ जाते हैं ना और वो लेसन सीख लेते हैं ना, तो उनसे प्यारे लोग कोई नहीं होते। तो आई थिंक वैसे ही मैं चाहता हूँ जिस तरीके से अंकिता और विकी उभर आए, ये जो वक्त मुनावर का चल रहा है जहाँ बेचारा या आशिकी ने उसको घुटनों पर ले आई है ना, और यही सोचता हूँ कि अब वो उससे बाहर निकले, और एक ही रास्ता एक ही तरीका है रिडेम्पशन का तरीका, और वो उसे बखूबी समझ रहा है, उसे एक्सेप्ट कर रहा है, और वो रास्ते पर रोमांस भी चालू हो गया यार। अब देखते, मुझे तो नहीं लगता रोमांस इतनी जल्दी शुरू होगा, वो है ही इतना प्यारा कि अब क्या कहें। अब रोमांस शुरू हो गया तो एक कहावत आती है, मेरे आंगन में भीड़ लगी है, मैं किसको कितना प्यार करूँ तो चामर तो है ही वो, लेकिन आई एम श्योर कि सबसे ज़्यादा उसे उस चीज़ की समझ है कि जो हुआ है वो सही नहीं है, पर इट इज़ ओके एज फार एज ही इज़ रियलाइजिंग इट, इज़ एक्सेप्टिंग इट, और वो उस पर काम कर रहा है और उससे आगे निकल के आ रहा है, एंड आई एम श्योर ही विल डू दैट। थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर गाइज, गॉड ब्लेस यू, आतंक मचा देना। हाँ बिल्कुल, क्या हाल चाल भाई, तू उसे मिला कि नहीं मेरे को यार, कहाँ बिजी था, किसको देख रहा था उस दिन? बैंगलोर गया था। नहीं उस दिन था वहाँ पे, देखा मैंने उसको, बहुत लेट आया ये। हाँ जी जी, हिट मशीन आप हो चुके हो म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, अवार्ड मिला, अवार्ड मिलना बाकी है बस और कुछ नहीं, लाइफ टाइम अचीवमेंट म्यूजिक अवार्ड। इस साल की बात करें तो बैक टू बैक म्यूजिक, सो मच जी लव, टेल अस समथिंग हाउ This year has been for you. बिल्कुल, आई थिंक दिस ईयर स्पेशली हैज़ बिन अ वेरी म्यूजिकल ईयर, और बिल्कुल सही कहा आपने, आई थिंक ये साल मैंने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक को दिया है, बहुत मज़ा आया, बहुत अलग अलग कॉम्पोजिशंस, सिंगर्स, आर्टिस्ट, प्रोडक्शन हाउसेज का काम किया है, लेकिन हाँ आई एम होपिंग अगले साल गेटिंग बैक टू माई नॉर्मल जो एक फॉर्मेट होता है प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, ये साल मैं थोड़ा हल्का सा ब्रेक लिया था, बट येस आई एम होपिंग कि अगले साल भी म्यूज़िक हो, उसके साथ भी और सारी बहुत सारी चीज़ें हों। पर्सनली मुझे नॉटी वलमा ऑन टॉप लगता है, माय फेवरेट सॉन्ग, व्हिच इज योर पर्सनल? बिल्कुल, आई थिंक हम सब नॉटी वलमा है कहीं ना कहीं लाइफ में, कौन सा चाहे आप हो मैं हूँ हम सब हैं, बिल्कुल नॉटी वलमा इन काली काली रातें, सोचो कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा जी। और कुछ नया प्रोजेक्ट, क्योंकि कश्मीर वाला काफी अच्छा रहा आपका वेब सीरीज, आपने शॉर्ट फिल्म? बिल्कुल, आई थिंक अभी हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज़ ख़त्म की है, आई एम होपिंग कि वो जल्द रिलीज़ हो और आप लोग से फिर से मेरी मुलाकात हो बहुत जल्द, मुझे लग रहा है कि इस साल में बहुत बार हमारी मुलाकात होने वाली है, सो आई एम जस्ट एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट। यस, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आने का, और यही कहना चाहूँगी कि जितना प्यार आपने मुझे पहले शो में दिया था उतना ही प्यार आने वाले शो में भी दीजिए जो सोनी पे आने वाला है, और सुंदर में आपको बहुत प्यार दिया था जी, क्या कहना चाहोगे इतना प्यार मिलना और आप सोनी के साथ जुड़ने वाले हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं ऑडियंस से यही बोलना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा प्यार आपने मन सुंदर को दिया था, रुचिता को दिया था, उतना ही प्यार आप इस शो को भी दीजिएगा, एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल आर गोइंग टू लव द शो दैट इज़ यू नो अपकमिंग शो, और आपकी वजह से हम हैं, और आपने जितना अभी मैं कुछ रिवील नहीं कर सकती, लेकिन हाँ बहुत 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 प्यारी कहानी है। कब तक आने वाला है प्रोमो, बता दीजिए? प्रोमो थर्ड जनवरी तक। ओके, नए साल की नया आगाज हो रहा है, तो कितने आप लोग को मतलब लकी फील? मैं बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ खुद को कि मुझे नए साल पे नया काम मिला है, वो भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, एक बहुत बड़े चैनल का, तो आई फील ब्लेस्ड कि मुझे साल के अंत तक ही ये प्रोजेक्ट मिला है, खुश हूँ मैं। मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन वाचिंग दिस। थैंक यू मैम, थैंक यू।